हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ के सरफेस का करीब 70% ओशन वाटर है, और ये एक ऐसा पॉइंट है हमारी अर्थ का, सोचिए स्पेस में एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर हमारी अर्थ को देखा जाए तो हमारी अर्थ में सिर्फ पानी ही नजर आता है। तो इतने बड़े वाटर बॉडीज हैं हमारे अर्थ में, और इस चीज को फिर हम एक स्फीयर को हम फ्लैट आउट करते हैं एक फ्लैट सरफेस में, तब फिर जो चीज बनती है वो एक स्फीयर को फ्लैट सरफेस में लाने के बाद उसे कहते हैं वर्ल्ड मैप। और इस वर्ल्ड मैप में एक्चुअली बहुत बड़ा पोर्शन वाटर बॉडीज का और खासतौर पर पैसिफिक ओशन का कट जाता है। तो इस वजह से मतलब क्योंकि इतना बड़ा है पैसिफिक ओशन कि उसे काटना पड़ता है वर्ल्ड मैप से। और अब बात हो रही है समंदर के पानी की, तो समंदर कभी भी आप कभी किसी सी शोर में जाएंगे, बीच में जाएंगे, तो आप देखेंगे समंदर का पानी डायनामिक होता है, हमेशा मूवमेंट में रहता है। समंदर का पानी कभी भी स्टिल वाटर के जैसा नहीं होता है। आप किसी बीच में जाएंगे तो आप देखेंगे समंदर के पानी का मूवमेंट कितने फॉर्म में हो रहा है। तो पहला फॉर्म है इस तरीके से लहरें बनती हैं, कि लहरें आती हैं, लहरें टूटती हैं, शोर तक आते आते बिखर जाती हैं। तो ये तो पहला मूवमेंट है। इसके बाद अगर आप उसी शोर में अगर आप खड़े रहें काफी देर तक, इंतजार करते रहें कि कैसा नजारा बदल रहा है, तो आप ये देखेंगे कि पानी का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है और समंदर पीछे की तरफ जाते जा रहा है। उसके बाद एक टाइम के बाद समंदर आगे की तरफ आने लगेगा, पानी का लेवल बढ़ने लगेगा, और जिस जगह पे आप कभी खड़े हुए थे उस जगह पे इतना पानी भर जाएगा कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे इतना पानी भर कैसे गया। और फिर से ये पानी एक कई घंटों तक आप फिर खड़े रहे तो फिर ये पानी पीछे चला जाएगा। तो ये भी एक पानी का मूवमेंट है। तो पहला मूवमेंट तो आपने देखा लहरें आती हैं, दूसरा मूवमेंट आप नोटिस करोगे काफी देर वहां खड़े रहने के बाद कि पानी बढ़ता है ऊपर की तरफ और फिर नीचे चले जाता है। ये अलग अलग जगहों के ये सीन है, ये टाइम लैप्स है। और ये जो पानी का मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हिंदी में कहते हैं ज्वार भाटा, या तो फिर इंग्लिश में कहते हैं टाइड्स। इसके बाद आप सी शोर में अगर घूम रहे हैं तो आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि जब तेज हवाएं चलती हैं, जब बारिश हो रही है तेज हवाएं चल रही हैं, तो ज्यादा जोर की लहरें चलती हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अभी इसमें आवाज नहीं है तो आप फील नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत जोर की लहरें चलती हैं। आप ये चीज नोटिस करेंगे, जितना अगर तूफान आ रहा है समंदर में तो और बड़ी लहरें उठती हैं। तो ये तो रहा तीसरे टाइप ऑफ मूवमेंट। इसके बाद एक और जो चौथा टाइप ऑफ मूवमेंट, वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप समंदर के आगे खड़े हैं और आपको ये लग रहा है कि इस समंदर में जितना पानी है वो यहीं पे रहता है, तो ऐसा नहीं है। समंदरों का पानी हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पूरे अर्थ में ट्रेवल करता रहता है। और ये चीज हम इतने मतलब कैसे जानते हैं, तो उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी बताते हैं। 1992 के दौरान एक कंटेनर शिप था जिसमें खिलौने वाली बतके थी करीब 28,000, वो पैसिफिक ओशन में शिप डूब गया और ये बतके रह गई, तैर रही थी पैसिफिक ओशन में। तो सोचने में लगता है कि पैसिफिक ओशन में इनको रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे के सालों में ये जो खिलौने की बतके हैं पूरे दुनिया में पहुंची हैं। आप ये बात फिर से देखें तरीके से, वहां से लोगों को नोटिस हुआ कि एक्चुअली हर समंदर का पानी पूरे दुनिया में ट्रेवल करता है। और यहाँ पे आपको एक फैक्ट मैं बताता हूँ कि अगर पानी की किसी एक बूंद का अगर आप ये कल्पना करना चाहें कि एक बूंद कितना वक्त लेती होगी पूरे हमारे अर्थ के दौरान घूमने में, तो करीब 1,000 साल। कि एक जगह अगर मान लीजिए इंडियन ओशन में अगर कोई पानी है, तो 1,000 साल बाद मैं क्या पता वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस आया। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। अब सवाल उठता है, अब ये जब तक हम कर रहे हैं तब तक हम इसका नोट्स भी देखते चलते हैं। तो अभी तक हमने जो चीजें देखी कि मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर कितने तरह से होता है, तो सबसे पहले तो हमने ये फैक्ट देखा कि हमारी अर्थ के सरफेस में 70% वाटर है और ओशन वाटर डायनामिक होता है, यानी कि हमेशा मूव करते रहता है। और वाटर मूवमेंट्स नोटिस किया आपने कि लहरें आती हैं बीच पे, इसके बाद अगर आप खड़े रहें तो पूरा का पूरा समंदर आपकी तरफ आता है और फिर से पीछे चले जाता है।
तीसरे तरह का मूवमेंट क्या था कि अगर जोर से लहरें चल रही हैं तो बहुत ज्यादा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स चलती हैं। और चौथा टाइप ऑफ मूवमेंट हमने क्या देखा था कि पानी जो है वो एक समंदर का वहीं पे नहीं रहता, पानी पूरे दुनिया में ट्रेवल करता है। तो वाटर ट्रेवल्स ऑल ओशंस। और हमने देखा कि एक ड्रॉप करीब करीब 1000 साल लेती है। ये फैक्ट मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा, ये सब बाकी आपके एनसीईआरटी जो क्लास 11th एनसीईआरटी उसका मतलब जिस्ट है, बिल्कुल समरी है। तो अगर आप कभी किसी कटोरे में पानी लें और उसमें फूंक मारें तो जिस तरीके से रिपल्स बनते हैं, यही चीज होती है समंदरों में। समंदरों में जब हवा चलती है तो इस तरीके से लहरें उठती हैं। तो जो समंदरों में आप देखते हैं एक्चुअली वही चीज है जो आप किसी कटोरे में देख रहे होते हैं, बस समंदर इतनी बड़ी वाटर बॉडी है कि वो चीज चल जाती है। दूसरा फैक्टर जो है वो है ग्रेविटेशनल पुल। और ग्रेविटेशनल पुल किन चीजों का, जो बड़े हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि है सन और मून। तो अब होता क्या है, ये वाला जो इफेक्ट होता है कि पानी ऊपर चढ़ते हुए आ जाता है और कुछ घंटों के बाद पानी फिर से नीचे की तरफ जाता है। तो ये वाला जो मूवमेंट जो हमने देखा था, ये मूवमेंट होता है बेसिकली ग्रेविटी की वजह से। और ग्रेविटी सबसे ज्यादा हमारे अर्थ में काम करती है चांद की। तो जो हमारा मून है वो हमारे अर्थ पे अच्छी खासी ग्रेविटी एग्जर्ट करता है और हमारी अर्थ भी उतनी ग्रेविटी एग्जर्ट करती है हमारे चांद पे। तो अब यहाँ पे सिनारियो ये होता है कि चांद की वजह से फोर्स पड़ता है हमारे अर्थ के अलग अलग हिस्सों में। अब क्योंकि हमारी अर्थ इतनी बड़ी है कि हमारे अर्थ के कुछ हिस्से में अलग फोर्स पड़ता है, दूसरे हिस्से में अलग फोर्स पड़ता है। जैसे ये जो हिस्सा है जो चांद के पास में है, यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा काम करती है तो ये हिस्सा ज्यादा खींचता है चांद की तरफ। और हमारे अर्थ का जो सेंटर है यहाँ पे चांद का ग्रेविटी थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटी डिस्टेंस जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाएंगे ग्रेविटी कम होती चली जाती है। तो चांद की वजह से जो सेंटर पे ग्रेविटी है वो थोड़ी सी और कम होती है। और इसके अलावा ये जो हमारे अर्थ का जो सबसे डिस्टेंट पॉइंट है, जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पे चांद की ग्रेविटी और भी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से होता ये है कि हमारे अर्थ में ये चांद की वजह से ग्रेविटी इस पॉइंट पे मैक्सिमम काम करती है, इस पॉइंट पे थोड़ी कम, इस पॉइंट पे और कम। तो एक चीज है जो चीज एक तरफ से ज्यादा खिंच रही है, दूसरे तरफ से कम खिंच रही है। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि वो चीज चौड़ी होने लगेगी, फ्लैट होने लगेगी। इस वजह से हमारी अर्थ में इफेक्ट ये पड़ता है इस चीज का, हमारी अर्थ में एक तरफ ओशंस, जब हमारी अर्थ फ्लैट वाला फोर्स पड़ता है हमारी अर्थ पे तो ओशंस एक तरफ बढ़ जाते हैं। तो जहां पे ओशंस बढ़ जाते हैं वहां हाई टाइड कहते हैं, और जहां पे ओशंस थोड़े कम रह जाते हैं उन जगहों को लो टाइड कहते हैं। और हमारी अर्थ घूमती है तो इस वजह से कभी उसी जगह पे हाई टाइड आती, कभी लो टाइड आती है। तीसरा फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर, यानी कि किसी भी चीज की गर्मी। तो अब टेम्परेचर की वजह से हमारे अर्थ के पानी में क्या मूवमेंट होता है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स पे जब आप हीट देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी ज्यादा आने लगती है। तो जैसे एनर्जी बढ़ती है इन मॉलिक्यूल्स में, इनमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं, और इसी वजह से फिर लिक्विड वाटर गैस बनने की तरफ जाता है। तो होता यही है कि जब किसी भी चीज में आप गर्मी बढ़ाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स या उसके एटम्स और ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी एक जगह में आप किसी एक जगह में अगर देखिए कि कितना पानी है, तो पानी गर्म करने पे उस जगह में वाटर मॉलिक्यूल्स अब दूर दूर हो गए तो उस जगह में मॉलिक्यूल्स कम हो गए। तो मॉलिक्यूल्स कम हो गए इस वजह से जो गर्म पानी होता है उसमें, मतलब यहां से आप इस एक्सपेरिमेंट से देख पा रहे होंगे, रेड कलर की जो इंक है ये गर्म पानी में डाली गई है और नीले कलर की जो इंक है ये ठंडे पानी में डाली गई है। तो गर्म पानी में इतना तेजी से डिफ्यूजन होता है क्योंकि गर्म पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के वो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। तो यही होता है कि गर्मी जब किसी चीज में आती है तो मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करते हैं,
और मॉलिक्यूल्स जब दूर दूर होते हैं तो वो चीज की डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि घनत्व जिसे कहते हैं, और डेंसिटी कम हो जाती है तो वो चीज हल्की हो जाती है। दूसरी एक चीज देखते हैं एक्सपेरिमेंट, जैसे एक ये रेड बलून में गर्म पानी भरा है और ठंडे ये नीले वाले बलून में ठंडा पानी भरा है, और इन दोनों बलून्स को हमने डाला एक वाटर कंटेनर में, तो रेड बलून जो है जिसमें गर्म पानी भरा है ये तैरता रहता है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है तो ये हल्का है नॉर्मल पानी से, और जबकि ये ब्लू कलर में जो ये गुब्बारा था इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये ठंडा पानी तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये भारी ज्यादा है नॉर्मल वाटर से, तो ये डूबा ही रहता है। तो टेम्परेचर या गर्मी की वजह से इतना ज्यादा फर्क आता है मूवमेंट में मॉलिक्यूल्स के। यहां जैसे देखिए, एक ग्लास में हमने ठंडा पानी अगर डाल दें, दूसरे ग्लास में गर्म पानी, और दोनों में अलग अलग रंग की इंक डाल दें, अब अगर हम गर्म पानी को ठंडे पानी के ऊपर रख दें और पार्टीशन हटा दें तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या होगा। गर्म पानी एज इट इज ऊपर ही रह जाएगा और ठंडा पानी एज इट इज नीचे रह जाएगा, ये मिलेंगे नहीं आपस में। अब इसी चीज का उल्टा करके देखते हैं कि गर्म पानी के ऊपर हम ठंडा पानी रखते हैं, और अब जरा इमेजिन करिए कि क्या होगा। जैसे ही हम पार्टीशन हटाएंगे, क्योंकि नीले रंग का पानी ठंडा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठंडा है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर नहीं, मॉलिक्यूल्स पास पास हैं। जैसे इंसानों के साथ होता है कि जब ठंडक होती है तो सब लोग पास पास आ जाते हैं और गर्मी में लोग दूर दूर होते हैं, तो मोर और लेस मॉलिक्यूल्स को भी आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सब पास आ गए तो डेंसिटी ज्यादा है, भारी ज्यादा हो गया, तो ये पार्टीशन हटाते ही दोनों ठंडा पानी नीचे जाएगा, गर्म पानी ऊपर जाएगा, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे और बहुत तेजी से मिक्स होंगे। आप दोबारा इस चीज को देख सकते हैं कितना स्पीड से ये होता है कि बिल्कुल गर्म पानी झट से ऊपर की तरफ और ठंडा पानी झट से नीचे की तरफ, तो इतना मूवमेंट हो रहा है पानी में, पानी इतना मूव कर रहा है अचानक से सिर्फ इस वजह से कि एक पानी ठंडा है एक पानी गर्म है। चौथा फैक्टर है सेलिनिटी। सेलिनिटी यानी कि किसी चीज में नमक कितना है। तो अब इसका भी एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का जो पानी है इसमें हम खूब सारा नमक डाल देते हैं और दूसरी तरफ है नॉर्मल वाटर, और हम इसका पार्टीशन हटाते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं और बस देखते हैं कि पानी मूव कैसे करता है। तो पार्टीशन हटाते ही हम देखते हैं कि जो सॉल्टी वाटर है वो नीचे की तरफ से मिक्स होता है नॉर्मल वाटर में, नीचे नीचे, और जो नॉर्मल वाटर है वो ऊपर की तरफ से जा रहा है, सॉल्टी वाटर मिल रहा है। और हम अगर इस चीज में फिर से पार्टीशन लगा दें और इस चीज में अगर मतलब इसको वो कर दें कि अब तो ये क्या हुआ है, थोड़ा सा नॉर्मल वाटर था और थोड़ा सा सॉल्टी वाटर था राइट साइड वाले में, और ये थोड़ा सा अलग रंग का दिखे इस वजह से नई इंक डाल दी इसमें, तो अब ये जो नया ब्लू पानी बना है ये नॉर्मल वाटर से भारी है लेकिन नमकीन पानी जो है उससे थोड़ा सा हल्का है। तो अब देखिएगा हम जब इसको हटाएंगे जैसे ही पार्टीशन, तो कैसा पानी मूव कैसे करता है। तो क्योंकि ये नीले रंग के जो पानी है इसका डेंसिटी इन दोनों के बीच में है, फ्रेश वाटर से ज्यादा लेकिन सॉल्टी वाटर से कम, तो पार्टीशन हटाते देखा आपने कि एक लहर चली है और बिल्कुल वो सीधा चलती चली गई। तो बस यूं ही कहीं पे सेलिनिटी का फर्क है तो पानी में इतना मूवमेंट होता है। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक तरफ रेड बॉटल है जिसमें ये रेड वाले में नॉर्मल वाटर है और ब्लू वाली बॉटल में सॉल्टी वाटर है, और एक वाटर कंटेनर में इन दोनों के ये ढक्कन खोलते आप देख रहे हैं सॉल्टी वाटर कितनी तेजी से नीचे मूव करने लग गए, सिर्फ इसलिए कि उसमें नमक पड़ा है कि इतनी तेजी से नीचे जा रहा है, नीचे बैठ गया है और नॉर्मल जो है वो ऊपर की तरफ चला गया। तो ये चीज अब हमने देखी, ये फैक्टर्स, तो अब याद करते हैं इन चारों फैक्टर्स को हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले तो जब हवाएं चलती हैं, जब आप कटोरे में फूंक मारते हैं तो वैसे ही जब हवाएं चलती हैं समंदरों पे तो रिपल्स बनते हैं, और यही रिपल्स एक्चुअली बनते हैं वेव्स, लहरें जो आती हैं, और इस मूवमेंट को आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कह सकते हैं कि एनर्जी हॉरिजॉन्टली चल रही है।
इसके बाद दूसरा मूवमेंट हमने देखा था ग्रेविटी की वजह से, जो कि है मून और सन की ग्रेविटी, कि किस तरीके से खींचते हैं अर्थ के समंदरों को। तो ये मूवमेंट हमने देखा था कि टाइड्स का, कि पानी चढ़ता चला आया ऊपर की तरफ और कुछ घंटों बाद फिर नीचे चला गया। और ये वाला जो मूवमेंट है ये वर्टिकल मूवमेंट है। तीसरा मूवमेंट हमने देखा टेम्परेचर की वजह से, कि जो गर्म पानी होता है उसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, वो ज्यादा मोशन में रहते हैं, ज्यादा मूव करते हैं, दूर दूर होते हैं, तो गर्म पानी कम डेंस होता है, लेस डेंस। अब क्योंकि लेस डेंस है तो इस वजह से हल्का होता है। अगर आप एक डेफिनेट एरिया गर्म पानी का लें तो उसमें मॉलिक्यूल्स ही कम है, वो हल्का है, इस वजह से गर्म पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है और ठंडा पानी नीचे की तरफ जाता है। तो टेम्परेचर की वजह से जो मूवमेंट होता है ये भी वर्टिकल होता है, कि ऊपर की तरफ, कि गर्म पानी ऊपर जा अपने आप से ऊपर जाएगा और ठंडा पानी नीचे की तरफ आएगा। जैसे ही ऊपर का पानी ज्यादा ठंडा है नीचे के मुकाबले तो नीचे आ जाएगा। और चौथा फैक्टर हमने देखा सैलिनिटी, कि जो नमकीन पानी होता है वो ज्यादा डेंस होता है। और डेंस ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, और ये सब हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं एक दूसरे से, इसके बीच में ही तो NaCl आएगा। तो डेंसिटी बढ़ रही है उतने ही एरिया की, जब आप नमक मिला देते हो किसी चीज में तो डेंसिटी बढ़ रही है, तो भारी हो रहा है, भारी हो रहा है तो नीचे की तरफ जाएगा नमकीन पानी। तो अब ये जो चीज पूरा होता है, अब समंदर जो हमारा है हमारे अर्थ का वो भी नमकीन है, और उसमें भी पानी कहीं पे ज्यादा गर्म होता है, कहीं पे कम गर्म होता है। तो आप इस चीज का नोटिस करिएगा, किसी जगह में खासतौर पे पोल्स वाले इलाके में, पहले आपको ये चीज दिखा दें कि जो पोल्स वाला इलाका होता है इसमें पानी जब जाता है तो वहां पे पानी ठंडा है। ये जैसे ग्रीनलैंड के पास का इलाका आप देख रहे हैं, पानी ये ठंडा पानी है यहाँ पे, और क्योंकि पानी में बर्फ जम गई है तो और नमकीन हो गया है। तो यहाँ पे पानी इतना ठंडा और इतना नमकीन हो जाता है कि वो नीचे बैठ जाता है, और नीचे जब बैठ जाता है तो इस पानी की जगह लेने के लिए इक्वेटर से पानी आता है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इक्वेटर वाले एरिया की तरफ से गर्म पानी पोल्स की तरफ जा रहा है, और पोल्स से ठंडा पानी उसकी जगह भरने के लिए यहां पे आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे की जगह भर रहे हैं, और बस ठंडा पानी नीचे की तरफ धस जा रहा है। अगर हम इस चीज को इस तरीके से देखें तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ पोल्स में पानी ठंडा हो रहा है और ज्यादा नमकीन हो रहा है तो नीचे आ जा रहा है, और दूसरी तरफ इक्वेटर की तरफ पानी गर्म है तो वो जा रहा है उसकी जगह लेने। तो एक सर्किल इस तरीके से बन रहा है पानी के अंदर ही, ये समंदर के अंदर ही एक सर्किल की पोल से पानी आ रहा है इक्वेटर की तरफ, और इक्वेटर से पानी ऊपर ऊपर से जा रहा है पोल्स की तरफ। तो ये मूवमेंट होता है पानी का। और तो हमसे पूछा जाएगा कि लहरें कैसे बनती हैं, तो लहरें बनती हैं विंड की वजह से, टाइड्स बनती हैं ग्रेविटी की वजह से, और ये टेम्परेचर और सैलिनिटी की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ओशन करेंट्स बनते हैं, यानी कि पानी कि नदियां एक तरीके से एक समंदर से दूसरे समंदर चलती हैं। और ये शुरुआत कहां से होती है कि जो पोल वाला इलाका है वहां पे पानी ज्यादा ठंडा है और ज्यादा नमकीन है, तो वो डूबता है, वो ड्रॉप करता है, और पानी पोल्स में डूबता है। हमारे अर्थ को अगर आप एक स्केल पे यूं बनाएं तो ये पोल्स वाले इलाके में पानी जब डूबता है तो इसकी जगह लेता है यहां से इक्वेटर से गर्म पानी, और इसकी जगह लेता है ये ठंडा पानी नीचे नीचे की तरफ से। तो ऐसा एक सर्किल सा बनता है, और ये पूरे दुनिया के समंदरों में पानी मूव करते रहता है। तो इस तरीके से चारों फैक्टर्स हमने देख लिए कि किस तरीके से मूवमेंट होता है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। हम टीचमेंट ऐप पर अपने कोर्सेज लाए हैं क्लास 7th, 8th और क्लास 9th के लिए, जिसमें हम स्कूल लेवल पे देखा जाए तो मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडी पढ़ा रहे हैं, और स्कूल लेवल के बाद जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे उसके लिए इंग्लिश और रीजनिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ा रहे हैं। तो ये सब जितनी भी चीजें हम कराएंगे, इन सब चीजों के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते जाएंगे,
और स्टडी मटेरियल मिलता जाएगा, आपके डाउट रिमूविंग क्लासेस लिए जाएंगे, और इसके अलावा इन पर्सन टच रहा जाएगा, एक मेंटोरशिप करी जाएगी। तो ये हम टीचमेंट पे कोर्सेज लाए हैं क्लास 7th, 8th और 9th के लिए। और ये वीडियो अगर आप साल 2023 के बाद देख रहे हैं तो क्या पता हमने 10th भी स्टार्ट कर दिया हो तब तक। और यहाँ पे सब चीजें आपको मिलेंगी इस क्लासरूम आईडी में। टीचमेंट ऐप डाउनलोड करके आप ये क्लासरूम आईडी डालेंगे तो आप पहुंच जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे। और बाकी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं हमारे फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम पेज से, और ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे भी आपको बाकी डिटेल्स मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर, थैंक यू।